आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। आज के इस वीडियो में हम आपको व्हाइल लूप के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट व्हाइल लूप का कैसे बनाया जाता है यानी किस प्रोसेस पे ये काम करता है, और साथ ही साथ हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे व्हाइल लूप का इस सिंटैक्स का यूज़ करके। जो व्हाइल लूप का सिंटैक्स बताएंगे उसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले व्हाइल लूप क्या होता है। व्हाइल लूप इज़ अ प्री टेस्ट लूप। व्हाइल लूप एक प्री टेस्ट लूप होता है। हम इसे प्री टेस्ट लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले कंडीशन को टेस्ट करता है, उसके बाद लूप बॉडी एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए हम इसे प्री टेस्ट लूप कहते हैं। इट फर्स्ट टेस्ट अ स्पेसिफाइड कंडीशनल एक्सप्रेशन। जो भी हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है ये सबसे पहले उसे चेक करता है, उस कंडीशन को टेस्ट करता है। एंड एज लॉन्ग एज कंडीशनल एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, और साथ ही साथ अगर हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो लूप बॉडी स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। जो हम कंडीशन चेक करते हैं व्हाइल लूप में, अगर हमारा वो कंडीशन ट्रू हो जाता है तो लूप बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होता है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आता है कि हम व्हाइल लूप का यूज़ कहाँ करें। तो सबसे पहला कंडीशन हम व्हाइल लूप का यूज़ जनरली वहाँ करते हैं जहाँ हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होता, यानी लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है हम नहीं जानते, तब हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। सेकंड, हम व्हाइल लूप का यूज़ वहाँ करते हैं जब हमें कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना हो, तब तक जब तक हमें व्हाइल लूप फॉल्स कंडीशन रिटर्न ना कर दे। जैसे अगर हमें 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है तो ये 5 टाइम्स कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो प्रिंट करेगा। जब 6 टाइम ये कंडीशन चेक करने जाएगा, कंडीशन फॉल्स मिलेगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, तब हमें व्हाइल लूप का यूज़ करना है। तो दो कंडीशन याद रखना है, जब लूप इटरेशन से एडवांस में पता ना हो, और सेकंड जब हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है जब तक व्हाइल लूप फॉल्स रिटर्न ना कर दे। तो अब इसका सिंटैक्स जानते हैं क्या होता है इसका सिंटैक्स। तो अब सिंटैक्स जानते हैं, तो सिंपल सा सिंटैक्स होता है व्हाइल लूप का। आपको सिंपली लिखना है व्हाइल। व्हाइल एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा, जो भी आप कंडीशन देना चाहें वो इस पैरेंथेसिस के अंदर आप दे सकते हैं। उसके बाद लूप बॉडी हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, और इस लूप बॉडी के अंदर क्या होगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, जो भी आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट होगा। फिर स्टेटमेंट के एंड में सेमी कोलन हम देंगे, ताकि ये सेमी कोलन एंडिंग होता है स्टेटमेंट का। उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराना होता है, क्योंकि व्हाइल लूप में क्या होता है, हम कंडीशन चेक करते हैं लूप बॉडी में एंटर करने से पहले, लेकिन हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप बॉडी के अंदर स्टेटमेंट के बाद में या फिर स्टेटमेंट के पहले हम इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को परफॉर्म कराते हैं, उसके बाद लूप बॉडी क्लोज करेंगे। तो ये सिंटैक्स है सिंपल सा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमें व्हाइल लूप का यूज़ कब करना है, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस एडवांस में पता ना हो। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर हम लिखते हैं व्हाइल और वन, इस व्हाइल लूप के अंदर हम कंडीशन ना देने के बजाय सिंपली वन लिख देते हैं, तो वन क्या करता है, वन रेफर करता है ट्रू के लिए। तो अब इस लूप बॉडी के अंदर क्या होगा, तो वन रेफर करता है ट्रू के लिए। तो लूप बॉडी के अंदर हमारा स्टेटमेंट होगा, तो जो भी हम स्टेटमेंट इस लूप बॉडी के अंदर लिखे होंगे ये स्टेटमेंट तब तक चलेगा जब तक हमारा लूप बॉडी का कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो। तो ये वन ट्रू को रेफर कर रहा, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम तक करते जाएगा क्योंकि हमारा लूप ट्रू है, इसकी कंडीशन को तो हमने फॉल्स किया ही नहीं है, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट होते रहेगा। आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूज़ है। और सेकंड यूज़ हमने बताया था कि अगर हमें कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हाइल और यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं जो हमारा होगा, जैसे आई लेस देन 5। आई को हम पहले ही इनिशियलाइज करके रखेंगे,
लूप बॉडी के पहले, क्योंकि इनिशियलाइजेशन जो है वाइल लूप में पहले किया जाता है, लूप इनिशियलाइज नहीं करता। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम आई को प्रिंट कर देंगे सिंपली, जो भी हमारा फंक्शन है प्रिंटिंग के लिए, और हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप लूप चलाते हैं ग्रेटर तो आप डिक्रीमेंट करेंगे, लेस चलाते हैं तो इंक्रीमेंट। तो ये 5 टाइम्स तक लूप एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगा कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये हमें फॉल्स कंडीशन रिटर्न करेगा और वाइल लूप का जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट कर जाएगा लूप बॉडी और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इन दो कंडीशन में हमें वाइल लूप का यूज़ करना है। अब हम फ्लो चार्ट जानेंगे कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या होगा। तो किसी भी लूप का या फिर किसी भी चीज़ का फ्लो चार्ट ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ सिंबल्स और नोटेशंस यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, डायमंड सिंबल, एरो, इलिप्स, इन ये सारे सिंबल्स हैं जो कि फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट, तो इसे हम इलिप्स से डिनोट करेंगे। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, जब हमारा लूप बॉडी एग्जीक्यूट हम कंडीशन देते हैं उससे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पे i1 इनिशियलाइज किया था, इसे हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, अब हम कंडीशन देंगे। तो कंडीशन देने के लिए फिर एरो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम डायमंड सिंबल का यूज़ करेंगे कंडीशन के लिए। तो ये कंडीशन है हमारा, आपको सही सिंबल का यूज़ करना है। अगर आप गलत सिंबल यूज़ करते हैं तो वो आपका फ्लो चार्ट रॉन्ग हो जाएगा, फिर चाहे आपका स्टेटमेंट करेक्ट ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे कंडीशन में दो कंडीशन आता है, अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, फॉल्स होता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले ट्रू के लिए जानते हैं, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो लूप बॉडी के अंदर लिखा होगा, कोड इनसाइड बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। ये क्या करेगा, जो भी कोड वाइल लूप के बॉडी के अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसे भी हम रेक्टेंगल से ही डिनोट करेंगे। और अगर सेम थिंग कंडीशन फॉल्स होता है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो सिंपल से एकदम कंडीशन है, लूप को क्लोज करना है। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा लूप बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट में लिख देंगे एंड लूप, यानी कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप हमारा बंद हो गया। तो इसे भी हम इलिप्स से डिनोट करेंगे। तो अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो उसके लिए भी कंडीशन है कि हमें अपने लूप को रिपीट तब तक कराने हैं जहां तक हमने कंडीशन सेट किया हो लूप बॉडी के कंडीशनल पार्ट में। 5 टाइम्स अगर हमें लूप एग्जीक्यूट कराना हो तो फर्स्ट टाइम ट्रू होगा, सेकेंड टाइम ट्रू होगा, इसी तरह 5 टाइम्स तक ट्रू होगा, और लास्ट में जब फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, लूप एंड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है वाइल लूप का। अब आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि वाइल लूप का प्रोग्राम क्या होता है। तो ये हमारा सिंपल सा वाइल लूप का एक प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने प्रोग्राम में हेडर फाइल लिखा है, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद हमने क्या किया है, मेन फंक्शन बनाया है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एक लूप वेरिएबल लिया है, इस ये वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल भी आप इसे कह सकते हैं, जिसकी इनिशियल वैल्यू को हमने 1 सेट किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल में वैल्यू को इनिशियलाइजेशन किया है। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाया है और यहाँ पे हमने एक कंडीशन दे दिया कि आई लेस देन इक्वल टू अगर 10 होता है तो यहाँ पे हमारा लूप बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक आई लेस देन इक्वल 10 है। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट है। उसके बाद अगली लाइन में हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कराया है। आप यहाँ डिक्रीमेंट भी करा सकते हैं, हमने इंक्रीमेंट कराया क्योंकि आई के इनिशियल वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया और हमें 10 तक जाना है इंक्रीज़ करते हुए, इसीलिए हमने इंक्रीमेंट किया है। अगर आप 10 सेट करते हैं तो आप डिक्रीज़ करेंगे। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है वाइल लूप में। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब अलग अलग लाइन में होते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो जब हम इसे रन कराएंगे तो हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट में मिल गए हैं, आप आउटपुट देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ। तो ये हमारा रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन है,
कि जब हमारे पास लूप नहीं था तो हम क्या करते थे, हमारे पास लूप नहीं था तो हम क्या करते थे, इस लूप वाले स्टेटमेंट को हम डिलीट करते हैं। ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। जब हमारे पास पहले लूप का कॉन्सेप्ट नहीं था सी लैंग्वेज में तो हम क्या करते थे, दो तरीके से इसी काम को करते थे। अगर हमें एक नेचुरल नंबर भी प्रिंट कराना हो 1 से 10 तो हम टू वे से यूज़ करके इसे प्रिंट करते थे। फर्स्ट वे क्या है, आप वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करके रखे हैं तो उस वेरिएबल को आपको सिंपली प्रिंटएफ में क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, %d, i और सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। %d इंटीजर वैल्यू के लिए एक्सेस मॉडिफायर होता है। उसके बाद उसी वेरिएबल में वैल्यू को इनक्रीज करेंगे और फिर से हम जो प्रिंटएफ वाला हमारा स्टेटमेंट है हमें उसे फिर से परफॉर्म कराना होता था। तो आप देख सकते हैं हम एक ही काम को बार बार कर रहे, प्रिंट कर रहे, वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे, फिर प्रिंट करा हमने, फिर इंक्रीज़ किए वैल्यू, फिर हम उसी प्रिंट फंक्शन का यूज़ किए। तो अगर हमें 10 times नंबर प्रिंट करने हैं 1, 2, 3, 4 तो हम 10 times प्रिंट फंक्शन में उसे प्रिंट करेंगे। यानी आप देख सकते हैं हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। तो ये एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी आप जान सकते हैं कि यहाँ पे आप वेरिएबल ले सकते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है i1 तो आप ले सकते हैं j2, उसी तरह k3, तो इसी तरह आप 10 वेरिएबल ले सकते हैं। 10ों में अलग अलग वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को आप प्रिंटर फंक्शन में एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं। हम आई को प्रिंट किए, फिर हमने जे को प्रिंट करा, फिर हमने K को प्रिंट करा। तो इसी तरह हमारा जो एक ही काम है हम बार बार कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हमारा कोड का जो लाइन है वो इंक्रीज़ हो रहा है और कोड जो है समझने में दिक्कत हो रहा है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए लूप का यूज़ इंट्रोड्यूस किया गया। और लूप में हम क्या करते हैं, कंडीशन दे देते हैं और स्टेटमेंट को लूप बॉडी के अंदर लिख देते हैं। तो उतने टाइम्स तक लूप एग्जीक्यूट करके हमें वो स्टेटमेंट प्रिंट करके दे देता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लूप का कितना काम है किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिपीटेड टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, और इसका यूज़ हमें कैसे करना है और किस लूप का यूज़ कहाँ करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपको फॉर लूप और डू व्हाइल लूप के बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।